नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बीसीसीआई आईपीएल को भारत के अलावा दूसरे देशों में भी शिफ्ट करने के लिए प्लान बना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अप्रैल तक कोरोना के केस इसी तरह बढ़ते रहे तो आईपीएल सीजन 15 का आयोजन साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में हो सकता है। इसी बीच श्रीलंका ने अपने यहाँ आईपीएल कराने के लिए बीसीसीआई को ऑफर दिया है। बता दें कि पिछले साल आईपीएल दो स्टेज में हुआ था, जिसका पहला स्टेज भारत में खेला गया था और दूसरा स्टेज यूएई में खेला गया था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल सीजन 15 की मेज़बानी करने की इच्छा जाहिर की है। भारत इस समय कोविड-19 की तीसरी लहर की चपेट में है और मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से यूएई के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो इन देशों को भी बैकअप के तौर पर रखना चाहता है। इसी बीच श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बहुत उत्सुकता दिखाई है और सौरव गांगुली के नेतृत्व बीसीसीआई के साथ बातचीत शुरू करने की भी बात की है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सचिव मोहन डी सिल्वा ने कहा, हमने रिपोर्ट देखी है और हमें श्रीलंका में आईपीएल की मेज़बानी करने से खुशी होगी। हम इस बारे में जल्द ही बीसीसीआई के साथ बातचीत शुरू करेंगे। सिल्वा ने महामारी के दौरान श्रीलंका की स्थिति के बारे में भी सकारात्मक बात की। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड सचिव ने कहा, श्रीलंका में यहाँ कोविड की स्थिति खराब नहीं है और आप निश्चित हो सकते हैं कि हम बहुत गर्मजोशी से मेज़बानी करेंगे। महामारी के कारण चल रहे घरेलू सत्र में रुकावट आने के बाद बीसीसीआई पहले से ही काफ़ी चिंता में है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ी, लेकिन रणजी ट्रॉफी को टाल दिया गया। ऐसे में बीसीसीआई दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के ऊपर खतरा नहीं लेना चाहती है और हो सकता है कि अगर कोविड के केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमें आईपीएल सीजन 15 या तो साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका में देखने को मिले, लेकिन उसके लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी पूरी तरीके से तैयार है, जो उन्होंने अपने बयान में भी बता दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।